निकालो वही 15 पहला कुरिन्थियों, सुनो 12 में लिखा, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि मरो में से जी उठा, तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनर्स्थान नहीं, यदि मरे हुए का पुनर्स्थान है नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ, कहता तुम में से कितने हैं जो कहते हैं मरे हुओं का पुनर्स्थान है ही नहीं, कहता फिर मसीह भी नहीं जी उठा। पुनर्स्थान का मतलब है एक दूसरा जन्म, मरने के बाद फिर पुनर्स्थान, मरने के बाद, जैसे आप जब मर जाओगे तो परमेश्वर मसीह में फिर आपको क्या करेगा, कितनों का बताएं, बहुत लोगों को इस बात का मुझे पता नहीं होगा, हो सकता है। कहता तुम में से कितने हैं, तुम में से कितने हैं जो कहते हैं मरे हुओं का पुनर्स्थान है ही नहीं, कहता अगर मसीह भी ना मरता और ना जी उठता तो फिर कैसे होता, तुम कहते हो पुनर्स्थान है ही नहीं। लिखा जब यीशु मसीह आएगा अपनी क्यामत के दिन तो कब्रों में से मुर्दे जी उठेंगे, जो जीवित रहेंगे वो हवा में उठा लिए जाएंगे, पल भर में उनकी देहें उनके शरीर बदल जाएंगे। ऐसा होगा 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 होगा। आगे लिखता कहता यदि मसीह ने ही जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना फिर व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी, उसने मसीह को जलाया, यद्यपि नहीं जलाया तो यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह नहीं जी उठता, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हुए। तुम अभी तक कहता पापों में फंसे हो, जो मसीह में सो भी गए, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस कर्म को इस काम को पूरा नहीं किया, लिखा वो भी मसीह में सो गए वो भी नष्ट हो गए, उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कितनों को समझ आ रही है इस बात को, मैं फिर से आपको समझाता हूं। सबसे पहले कहता अगर मरे हुओं का पुनर्स्थान नहीं है तो हमारा प्रचार यीशु मसीह का जी उठना और उसका मरना व्यर्थ है, फिर हमारा प्रचार करना व्यर्थ है अगर पुनर्स्थान नहीं है, अगर मुर्दे दोबारा नहीं जी उठेंगे। फिर कहता हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हो गए। जो मसीह में सो गए मसीह में, पर मसीह के लिए किया कुछ नहीं, उसके नाम को कोई आदर नहीं दिया, कोई महिमा नहीं की, लोगों के सामने उसके नाम से शर्माए, लोगों को बताया नहीं। कईयों को मैं जब ऐसे देखता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर है तुझ में पर तेरे अनुसार ये कुछ नहीं कर रहे, क्यों? वचन साफ साफ कहता जो हां जो मसीह में सो गए वो नष्ट हो गए। क्या फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ? बोलो फायदा हुआ। फिर आज तुम मसीह में हो, आज तुम उससे काम ले रहे हो, इसीलिए लिखा उस दिन यीशु तुम्हारा साफ इनकार कर देगा, वो बोलेगा मैं तुम्हें जानता क्योंकि तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को नहीं किया। आज तक तुम अपने आप को देखो, तुमने कितनी रूहों को बचाया, कितने लोगों को सुसमाचार बताया, कितनी रूहों को बचाया, कितने लोगों को गवाही दी अपने जीवन की, यीशु मसीह की गवाही, उसके जी उठने की गवाही, बताओ मुझे कितनों को बताया, क्या किया उसके लिए? इसलिए कहता यदि मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, अब तक तुम पापों में फंसे और जो मसीह में सो गए वो नष्ट हो गए। परमेश्वर ने कितनी बड़ी इच्छा से अपने पास बुलाया, इसने कहा जब तक मेरा पिता किसी को अपने पास नहीं बुलाता तब तक कोई मेरे पास नहीं आता। उसने आपको बुलाया जो जीवन में अपने 7 स्वर्गीय स्थानों में 7 बैठाया, आत्मिक रूप में तुम बैठे हो पर तुम कर कुछ नहीं रहे। मैं कहता मैं अधूरे दिनों का जन्म था, प्रेरित कहलाने के भी योग नहीं, बोलो क्या था, पर मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया, मैंने सबसे ज्यादा चेलों से नबियों से भी बढ़कर मैंने मेहनत की,
क्योंकि पॉलस ने पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा इच्छा, सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित, सबसे ज्यादा रूहों को बचाया, सबसे ज्यादा काम पॉलस ने किया किसकी इच्छा को पूरा करने के, सबसे ज्यादा। जितना कोई करेगा, संसार में कहावत है ना, जितना गोड़ पाओ की अंदा है, तुम जितना कर रहे हो फल उसी के अनुसार आएगा। बोलो क्या आएगा? जितना तुम कर रहे हो फल उसी के अनुसार आएगा। इस नाप से इसने कहा तुम नापते हो, तुम्हारे लिए उसी तरह से नापा जाएगा। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। जिस हिसाब से तुम चलते हो उसी हिसाब से तुम्हें मिलेगा भी। आज परमेश्वर ने अपनी बड़ी इच्छा से आपको अपने पास बुलाया है ताकि हम किसकी इच्छा को पूरा करें, किसकी सेवा करें। इसलिए वो कहता है अगर मसीह नहीं जी उठता तो मुर्दे जी नहीं उठते। अगर आप इसकी 32 पढ़ो, इसी की 15 की, कहता यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ता, वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। आओ फिर खाओ पियो, मजे लो, की करना आके मसीह में, की लोड़े नी मेहनत करन दी, की लोड़े प्रार्थना करन दी अन्नी, हाँ की जरूरत है इन्ना औखा होके प्रभु की इच्छा पूरा करने ली, उसकी सेवा करनी, क्या जरूरत है? कहता आओ खाए पिए मजे ले। हाँ, अगर मुर्दे जी नहीं उठेंगे तो आओ खाए पिए मजे ले, फिर क्या जरूरत है? जैसे लोग करें तुम भी करो। एक बड़ा सत्य है। कहता मैं इफिसुस में वन पशु से लड़ा, हाँ वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे नहीं जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल मरे ही तो जाना है। फिर ऐसे लोग कहते हैं और जो होगी वेखी जाओगी, अग्गा किन्ने देखिया, ऐसे दुनिया वाले संसार वाले लोग बोलते हैं, हाँ अग्गे किन्ने देखिया, जो होगा देखा जाएगा, और जो कुछ है इत्थे ही है, कहते कहीं अपनी बुद्धि अपना तरीका, अपनी बुद्धि अपना तरीका मत लगाओ। जिस चीज में तुम्हें मुश्किल है तुम आओ, तुम परमेश्वर के पास जाओ, उसके पास प्रार्थना करो। हम बैठे, हम आपको समझाने के लिए बैठे, तुम आओ हम समझाएंगे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तुम्हारे घुटनों की दर्द, तुम्हारी टांगों की दर्द, तुम्हारी हड्डियों की दर्द, क्यों नहीं होगा? कौन सा काम है जो नहीं होगा? बोलो। पर जो परमेश्वर कहता तुम वो करो। बोलो क्या? जो परमेश्वर कहता तुम वो करो, सब कुछ होगा। शुरू में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, पर आगे जाकर क्या होगा? हाँ, आगे जाकर क्या होगा? इसलिए यीशु ने जो मेहनत जो दुख उठाया उसके बाद लिखा उसे बड़ा पद मिला, बड़ा नाम मिला। किसकी ओर से? वही नाम परमेश्वर की इच्छा उसमें मेहनत करने के बाद आपको मिलने वाला है, हर एक को मिलने वाला है। मैंने कहा हर एक को मिलने वाला है। इसलिए हर चीज के लिए परमेश्वर के पास जाओ। जो तुम्हें समझ नहीं आती परमेश्वर से पूछो, तुम्हें मुश्किल है तुम परमेश्वर को बोलो, सब कम हो सकते हैं। पर ये आपके मन के अनुसार होगा। क्या होगा? आपके मन के अनुसार होगा। कितनों को समझ आई आज? हाँ, करते हो विश्वास? कहते हैं अगर मुर्दे जी नहीं उठते, मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, कल तो मर ही जाना है। की जरूरत है इन्नी प्रार्थना ही करने की, संगति में आने की, क्या जरूरत है? हाँ, एक बड़ा सत्य है जो लोगों को नहीं पता, दुनिया नहीं जानती। बोलो क्या है? जो जीवन तुम्हारे पास है, जो खुदा ने तुम्हें दिया है, जो अरबपति हैं इस पर, वो परमेश्वर को नहीं जानते। तुम उनसे भी उत्तम हो,
जो दुनिया में अरबपति हैं पर उनके पास मसीह नहीं है, उसका नाम नहीं है, तुम उनसे भी कई गुना उत्तम हो। पर समझो, समझो, इस पे ध्यान दो। आमीन।